यहाँ बनवाए। तो आपने क्यों अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी? बस वही परेशानी की वजह से, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं छोटे, बड़ी वाली लड़की इंटर करके छोड़ दी है। थोड़ा सा मूँगफली खिलाएंगे आप हमें? बिल्कुल खिलाएंगे, बस थोड़ा सा। धन्यवाद। आपका दिल बहुत बड़ा है, पैसे नहीं है आपका, दिल बहुत बड़ा है आपका। चलिए, तो मतलब इधर से अपना यही अपना आपका जो है काम चल रहा है? यहाँ शनिवार मंगलवार आते हैं, बाकी दिन सिटी में जाते हैं। अभी आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? अभी जा रहे बनकर घर जाएंगे। मैं उधर से आ रहा था तो हमें एक इंसान मिले और ये कुछ पैसे बोले कि उनको दे दीजिएगा। दो ये 4500 रुपये है, आप लीजिए, पर अपनी लड़की की आप अच्छे से पढ़ाई करवाइए और आगे पढ़ाई करवाइए, कंटिन्यू रखिए, आप अपने दोनों बच्चों को पढ़वाइए। पढ़ाई कराएंगे ना? हाँ, पक्का कराएंगे। चलिए ठीक है फिर, हाँ चलते हैं। आशीर्वाद दीजिए आप हमें, आशीर्वाद दीजिए, आप बड़े हैं हमसे। हाय फ्रेंड्स, हाय गाइज, आप सब भाइयों का अपना चैनल विवेक गोल्डन। यार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। आज की जो वीडियो है ना, मुझे भी अंदर से थोड़ी इमोशनल कर दी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार आप लोग जो भी कमाते हो ना, आप लोग पैसे इधर उधर इन्वेस्ट करते हो, उसका 2% मल्ली फॉर 2% यार आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिससे कि उस व्यक्ति को खुशी मिले। अगर उसको खुशी मिलेगी तो मुझे तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है। और आशा करता हूँ कि सब लोग इस वीडियो को अच्छे से शेयर करोगे। और देखो, फिर मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। नहीं होता है उनका भी दिल होता है, उनका भी दिल रोता है। ठीक है जी, कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार के रहने वाले हैं सर। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे तो ये प्रयागराज है, साधु संत के जगह है। अब साधु तो मैं 35 साल से हूँ प्रयागराज में, प्रयाग अयोध्या। यहाँ आप सोते हो, आपको धूप उप नहीं लगती? उनका लगती है, लेकिन अब क्या है, गरीबी, साधु संत की क्या धूप क्या ठंडी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 24 घंटा भोजन पानी ना भी होता है तो भी ऊपर वाला 24 घंटा बाद देखने देता है। अच्छा, सुबह से आप कुछ खाए हैं अंकल? हाँ, भोजन किया। अभी मैं गंगा जी किनारे गया था, वहाँ प्रसाद पाया हूँ। कोई बात, कैसी टेंशन नहीं, भोजन पानी। आपका नाम कहाँ पे? आपका नाम क्या है? हमारा नाम उमेश सिंह है। उमेश सिंह ठाकुर हैं आप? ठाकुर। तो आपकी मैरिज हुई है? मैरिज के टाइम तो मैं घर से भाग जाया करता था, माता पिता बहुत समझाते थे, लेकिन अब क्या है कि अपनी कहूँ या। अच्छा, आपको लगता है कि कभी आपने गलत किया ऐसा कुछ लाइफ में? फील होता है ऐसा कभी महसूस हो कि माता पिता की जो बात नहीं माना सबसे बड़ी गलती थी, ये मैंने किया। कभी कभी ऐसा भी होता है आप लोगों को बिना खाए भी सोना पड़ता होगा? हाँ, सोना पड़ता है, कभी ऐसा भी होता है। रात में कहाँ सोते हैं आप लोग? हम रात के तो सिटी एरिया में चले जाता हूँ, एक सरदार जी वही भोजन पानी शाम को देते हैं, वही भोजन करके सो जाता हूँ सरदार जी। तो आपकी मैरिज हुई है? मैरिज तो बताया तो कि मैरिज एक टाइम में घर से भाग जाएगा दिल से, तो आपकी मैरिज नहीं हुई? नहीं हुई है, क्योंकि छोटे पर से मुझे साधु बनने की बहुत तो इच्छा थी अंदर से। तो कहीं ना कहीं आपको एक कमी होती है कि मेरे माँ बाप की बात हमने नहीं मानी। हाँ, ये तो होती है, माता पिता की बात यदि मानते तो शायद हम कहीं काम धाम करते, लेकिन अब क्या है कि जो भी है सब भगवान अच्छे ही करते हैं, जो किए वो भी अच्छा, जो करेंगे वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा, चलिए, उधर से मैं आ रहा था तो हमें एक इंसान मतलब ऐसे ही मिले, उन्होंने कहा जो बाबा जी बैठे हैं उन्हें जाके आप कुछ पैसे ले लेना। तो ये थोड़े पैसे हैं मेरे पास, ये लीजिए, 5000 रुपये हैं हमारी तरफ से, आप रख लीजिए। और अपने लिए कुछ कपड़े उपड़े ले लीजिएगा। ले लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, और अपना अच्छे से रहिएगा, और बाकी फिर भगवान ने आशीर्वाद दीजिए आप। भगवान आपका भला करे, आपके सब समाज, आपके जितने कर्मचारी सब आप खुशहाल रहे। चलिए ठीक है बाबा जी, फिर आशीर्वाद दीजिए। हाय, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अब ये रिक्शा चला रहे हैं? हाँ। आपने कुछ खाया सुबह से अंकल? तो ये मतलब आप इसको, आपको इस उम्र में काम हो जाता है आपसे?
अब क्या करें, मजबूरी बस करना पड़ेगा। मजबूरी है? हाँ। अच्छा निकल, ये बताइएगा कि आप इसमें कितना कमा लेते हो? ऐसे वही 10 घंटे में 1,150 रुपये देता है दिन भर चलाने पे आपको। हाँ। तो अच्छा आप ये बताओ कि आपके बच्चे उच्चे हैं? नहीं। तो बच्चे नहीं, आपकी मैरिज आपने नहीं की क्या? नहीं। तो दिन भर सोते कहाँ हो आप जाके? हमारा घर निजी है, यही सुबतिया बाग। अच्छा आपका घर है, आप कभी होटल में खाए हो बढ़िया? नहीं, होटल में खाना खाए हैं बढ़िया, इस अंदर होटल में नहीं खाए हैं। नहीं खाए ना, इसलिए भाई वहाँ खाने के लिए पैसा चाहिए ना। पैसा चाहिए? अगर मान लो आपको कोई पैसा दे दे तो आप जाओगे खाने? नहीं, तब पर भी नहीं जाएंगे। तब क्या करेंगे आप? ना पैसा खराब थोड़ी करेंगे हम। क्या करेंगे आप फिर? हम उसको खाएंगे पिएंगे, लेकिन दूसरे हिसाब से खाएंगे, फालतू खर्चा नहीं। अभी उधर मैं आ रहा था तो हमें एक हमारे मतलब ऐसे ही करके एक इंसान मिल गए थे और बोले जाके रिक्शा वाले भैया को ये पैसे आप दे देना। नई शुरुआत करे, जैनों का मान बढ़ाए, जिनको जरूरत हो हमारी उनके हम का। ये लीजिए अंकल जी 4,000 रुपये और आप जाके किसी अच्छे होटल में खाइएगा। पक्का ना पकड़िए, जाएंगे ना किसी अच्छे होटल में जाएंगे ना। चलिए ठीक, आशीर्वाद दीजिए हमें। आओ आशीर्वाद दीजिए।